الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد पिछले दर्स के अंदर जो सबसे आखिरी शेर हम पढ़ रहे थे या जिसको हमने पढ़ा था वो ये शेर था, तराजुस वतैनी मिन तुराबिन अलैहिमा सफाईहु सुम्मन मिन सफीहिन मुजन मुनज्जती। इसके बाद अगले वाला शेर पढ़ते हैं, अगले वाला शेर छोड़ते हैं, उसके बाद उसके बाद जो शेर है उसको पढ़ते हैं। शेर कह रहा है, अरल अईश कंजन नाकिसन कुल लैलतिन वमा तन्कुसुल अय्यामु वद्दहरु यन्फदी। यहाँ इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो जो अल्फाज में अगर हम इसके लुगवियात को देखते हैं तो अद्दहर का माना यहाँ पर है अरल अईशा, या जी बाद इसकी रवायतें, इसमें अलग अलग रवायतें आई हुई हैं, कहीं पर अरल अईशा आया हुआ है, कहीं पर अरल दहरा आया हुआ है। तो यहाँ पर है अल अईशा, और ऐश से मुराद यहाँ पर है आशय या ईशो के माना होता है ज़िंदगी गुजारना जीना, मज़दर है ये बबे ज़रबा ज़रबों का, और मुराद यहाँ पर है ज़िंदगी अरल अईशा आई अरल हयात, यानी कि ज़िंदगी को मैं देखता हूँ। इसके बाद क्या चीज़ देखता है, अरल अईशा कंसन कंस या समझता हूँ, आरा यहाँ पर ज़िंदगी को देखा नहीं जाता है, तो यहाँ पर मुराद क्या है, देखने से मुराद है समझना, मैं ज़िंदगी को तसव्वुर करता हूँ, ज़िंदगी को मैं समझता हूँ, ज़िंदगी के बारे में मेरा ख्याल ये है। क्या चीज़ है, कंस। तो और कंस का माना होता है वल मालू अल मदफून, यानी कि वो माल जिसको छुपा करके या जिसको कहीं पर ज़मीन वगैरह में गाड़ करके उसको हिफाजत से रखा गया हो, या वैसे भी जिसको बहुत ही ज़्यादा हद दर्जा हिफाजत से रखा गया हो, वो कंज होता है, जिसको हम ख़ज़ाना भी कहते हैं उर्दू में। तो अलकंज का माना हो गया ख़ज़ाना। उसके बाद आते हैं अगला वाला जो फ़ेल है तनकुसु, नाकिस जो यहाँ पर आया हुआ ये इसमें फ़ाइल है, इसी नकसा यनकुसु फ़ेल का, और लैला यहाँ पर है लैलतुन के माने ऐसे तो रात होता है जम, लेकिन यहाँ पर उमूमन वक्त मुराद है, रात और दिन इसके अंदर दोनों शामिल हैं, दोनों वहाँ पर मुराद है, जो 24 घंटे का टाइम है वो पूरा का पूरा मुराद है यहाँ पर। नाकिसन कुल्ला लैलतिन अई कुल्ला यौमिन वमा तनकुसु, तो नाकिसन जो इसमें फ़ाइल है नकसा यनकुसु फ़ेल का, और यहाँ पर जो तनकुसु फ़ेल है इसके बारे में थोड़ी बात बताने में मुनासिब है कि ये फ़ेल जो आता है नकसा यनकुसु, ये लाजिम भी इस्तेमाल होता है और मुतादी भी, और मुतादी भी इससे मुतादी कौन सा मुतादी, वैसा मुतादी जो दो मफूल की तरफ मुतादी होता हो। तो यानी हम इसको कहें कि तनकुसो ये फ़ेल लाजिम भी इस्तेमाल होता है और मुतादी बदो मफूल भी इस्तेमाल होता है, या मुतादी इला मफूलैन इस पे भी आता है। तो ये लाजिम और दो मफूल की तरफ मुतादी दोनों सूरतों पर इस्तेमाल होता है, और जो लाजिम है यानी कि अगर ये नकसा यनकुसो इसका माना लाजिम का माना है यानी कम होने के माना है, लाजिम का माना हो जाएगा नकसा का तो का माना देखिए कि कम होना, और मुतादी का माना हो जाएगा कम करना, तो कम होना लाजिम है, कम करना मुतादी है। जो नकसा यनकुसो जो कम होने के माने में है तो उसका मसदर आता है नुकसानुन नुकसानुन, और नकसा यनकुसो जो कम करने के माने में आता है तो उसका मसदर आता है नक्सुन, तो नकस यनकुसो नुकसानन इसका माना कम होना, नकस यनकुसो नक्सन इसका माना कम करना। इतनी चीज़ हो गई। अच्छा दोनों की मिसालें क्या है, दोनों की मिसालें हमें जो है कलाम अरब में बहुत ज़्यादा मिलेंगी।
उन्हीं में से एक मिसाल ही है, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मा नकस मालुन मिन सदक़तिन, मा नकस मालुन मिन सदक़ा। यहाँ पर नकसा जो इस्तेमाल हुआ है वो लाजिम के माने में इस्तेमाल हुआ है। तो मा नकस मालुन मिन सदक़ा, सदक़ा करने से माल कम नहीं होता है, तो ये लाजिम का माना हो गया। और मुतअद्दी की मिसाल क्या है? मुतअद्दी की मिसाल है जिसे कुरान में आया हुआ है, अल्लाह ताला का ये कौल, थुम्मा लम यनकुसूकुम शैयन, थुम्मा लम यनकुसूकुम शैयन। तो यनकुसो यहाँ पर फेल है, यनकुसू और वह जो है वो ज़मीर है, यनकुसो फेल का फ़ाइल है, कुम जो ज़मीर यहाँ पर है जो कि ज़मीर दिख रही है, ज़मीर बारिज है, तो ये ज़मीर मफूल भी है और ये मफूल भी अव्वल है यनकुसो फेल का। अच्छा, उसके बाद जो शैयन है ये दूसरा मफूल है, मफूल बिही सानिन। तो यहाँ पर हमने देखा जो आयत है ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا, यहाँ पर يَنْقُصُو فِيل متعدی استعمال ہوا ہے اور اس کے سامنے دو مفعول آئے ہوئے ہیں اور یہی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ لازم استعمال ہوتا ہے کبھی کبھی اور کبھی کبھی یہ دو مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ اچھا, ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو ایک مفعول کی طرف یہ متعدی نہیں ہوتا ہے, جب بھی یہ متعدی ہوگا دو مفعول کی طرف ہی متعدی ہوگا۔ بعض لوگ اس کی مثال میں یہ کہتے ہیں کہ ایک مفعول کی طرف بھی متعدی ہو سکتا ہے, جیسے اس کی مثال مطلب کلام عرب میں آتا ہے, کہتے ہیں کہ نقص المال درہما, نقص المال درہما, تو کہتے ہیں نقص فعل المال فاعل درہما, یہاں پر جو منصوب ہے کہتے ہیں مفعول بھی ہے, ایک مفعول ہے یہ, ایسے ہی کہتے ہیں۔ تو ایک مثال ہو گئی, ایسے اور بھی مثالیں آتی ہیں۔ تو یہاں پر اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو یہاں پر ہے نقص المال درہما, یہ جو بظاہر دکھ رہا ہے فعل فاعل مفعول بھی, تو یہ ایسا ہے نہیں, بلکہ یہاں پر نقص کے معنی کم ہونا ہے اور یہ فعل لازم ہے, الدرہم اس کا فاعل ہے, نقص الدرہم یہ نقص المال, تو المال کیا ہے اس کا فاعل ہے, اور جو درہمن ہے جو منصوب دکھ رہا ہے جو بظاہر لوگ کہتے ہیں کہ مفعول بھی ہے, تو مفعول بھی نہیں ہے بلکہ یہ تمیز ہے, نقص المال, تو نقص المال یہ ایک جملہ ہے, اس جملے کے اندر جو نسبت ہے نقص کی مال کی طرف, اسی نسبت میں ابہام ہے اور اسی ابہام کو درہمن نے آ کر کے دور کر دیا ہے۔ تو اس طرح کی تمیز کو کہتے ہیں تمیز الجملہ, یعنی کہ جو تمیز جملے کے اندر سے ابہام کو دور کرے, یا اس کو تمیز النسبہ بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ جملے کے اندر ایک چیز کی نسبت دوسرے چیز کی طرف کی جاتی ہے تو اس کو تمیز النسبہ, تو اس تمیز کو تمیز النسبہ بھی کہتے ہیں, نو کی کتابوں میں بحث آئے گی۔ تو یہ کافی اہم بات تھی جو بتانا مناسب تھا, میں نے سمجھا نقص ینقص فعل کے بارے میں, بار بار یہ کلمہ آتا ہے, مستعمل ہے, ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو کہہ رہے کہ ار العیشہ, تو یہاں پر میں نے بتایا العیشہ یا العمرہ یا الدہرہ, یہ تمام کلمات کسی جگہ پر آتے ہیں, الگ الگ روایتیں اس کی ہیں۔ ار العیش کنزا ناقصا کل لیلۃ وما تنقص الایام والدہر, الدہر کے معنی ہوتا ہے یہاں پر ہے زمانہ, جمع دہور, تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ینفد نفید ینفد, بابی سمیہ سے ہے یہ, اس کا معنی ہوتا ہے ختم ہو جانا, ینفد معنی ہے یفنا فنی یفنا, تو ینفد معنی ہو یفنا یعنی کہ فنا ہو جانا, ختم ہو جانا۔ قرآن میں آیا ہوا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے, ختم ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اس کی مثال قرآن میں بھی موجود ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے یہاں پر اس کا مفہوم کیا ہے اس شعر کا, یعنی کہ طوفہ ابن عبد البکری اس شعر کے اندر کیا کہہ رہا ہے, تو کہہ رہا ہے کہ ان العیش کنزا ناقصا کل یوم کل لیلۃ, میں اعتقاد رکھتا ہوں یا میں دیکھتا ہوں یا میں میرا تصور ہے, میں تصور رکھتا ہوں زندگی کے بارے میں, یا میں سمجھتا ہوں زندگی کو ایک خزانہ, ناقصا کل لیلۃ, جو خزانہ ہر دن کم ہوتا رہتا ہے یا ہر دن گھٹ رہا ہے, ہر دن کم ہو رہا ہے۔ تو یہاں جو ناقص ہے, یہاں دو ناقص دو طرح کے استعمال ہوئے, اور ابھی جو تفصیل میں نے بتائی ہے ڈیٹیل ناقص کے بارے میں, لازم اور متعدی کے بارے میں, تو
तो यहाँ भी हम देखते हैं, तो यहाँ पर नाकिस दो जगह इस्तेमाल हुआ है। पहला है नाकिसन, इसमें फ़ाइल के रूप में, यानी कि नकसा जो ये सलासी जो असल है ये, इसमें फ़ाइल के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ फ़ेले मुजारे की शक्ल में इस्तेमाल हुआ है। पहले वाली जगह पर ये लाजिम इस्तेमाल हुआ है, नाकिसन यानी लाजिम यानी कम होने के माने में है, और दूसरी जगह जो इस्तेमाल हुआ है ये मुतअद्दी इस्तेमाल हुआ है, यानी कि कम करने के माने में। तो इसी दोनों को दिमाग में रखते हुए हम इसको माना करते हैं। शायर करा अरल आईशा कंजन नाकिसन कुल लैलतिन, मैं ज़िंदगी को एक ऐसा खजाना समझता हूँ, तसव्वुर करता हूँ, अरे कि जो खजाना दिन ब दिन यानी कि हर दिन घट रहा है। वमा तन कुसुल, तो यहाँ घटने का माना वमा तन कुसुल अय्याम व दहरु यनफदी। वमा माँ यहाँ पर नौयत इसकी है मौसूला की, तो यहाँ पर माँ ये मौसूला है। वमा तन कुसु, तो असल इबारत कैसी हो जाएगी, वमा तन कुसुहुल अय्यामु व दहरु यनफदी। वमा और वो चीज़, तन कुसुहुल अय्यामु व दहरु, जिसको कम करें जिसको घटाएं, अय्याम के माने दिन और ज़माना, तो जिस चीज़ को दिन और ज़माना घटाएं कम करें, यनफदी, तो वो चीज़ आगे जा कर के ख़त्म हो जाएगी। तो जिस चीज़ को भी ज़माना और अय्याम या दिन और ज़माना कम करते जाएं, तो आगे चल के वो चीज़ एक दिन फना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ज़िंदगी के बारे में इसका तसव्वुर है कि ज़िंदगी ऐसी ही है, हर दिन एक एक दिन इस ज़िंदगी से घटता जा रहा है, और ज़िंदगी की एक फ़िक्स उसका टाइम है, एक फ़िक्स उस एक सा पीरियड है, और जब एक एक दिन डेली उसमें क्या है घटता जाएगा कम होता जाएगा, तो ऐसी सूरत में क्या हो जाएगी, ये ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जो दूसरी वाली लाइन है, वमा तनकुसुहुल अय्यामु वद्दहरु यनफदी, ये मौसूल, और ये जो दूसरी वाली जो लाइन है ये क्या है, मुब्तदा खबर की तरकीब है। मुब्तदा यहाँ पर मौसूल और सिला से मिल करके बना है। ऐस कैसे है ये, तो यहाँ पर कहते हैं माँ इसमें मौसूल है, तनकुसु और तनकुसु ये जब भी मुतादी होगा तो दो मफूल की तरफ ही मुतादी होगा, तो कैसे होगा, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर माँ इसमें मौसूल तनकुसु, इसका जो ये तनकुसुहु असल में है, और उसके बाद एक चीज़ और मैं जो मानेंगे तनकुसुहु शैअन, तो और जिस वो चीज़ और जिसको दिन और ज़माना कुछ भी घटाएं या कुछ भी कम करें, तो वो चीज़ क्या है, ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जगह माँ इसमें मौसूला, उसके बाद तनकुसुल अय्याम वद्दहरु, ये पूरा का पूरा जुमला जो है ये इसका सिला है, मौसूल सिला मिलकर के मुब्तदा हो जाएगा, मुख्तसर अगर हम समझना चाहें, और यनफदी जो है ये उसकी खबर हो जाएगी। तो यन असल में है क्या है, वमा तनकुसुहुल अय्यामु वद्दहरु यनफदु, तो यनफदो आना चाहिए था, क्योंकि यनफदो ये खबर है, मरफू होगा, लेकिन यनफदी पढ़ा जा रहा है, क्योंकि हम जब इस शेर को देखते हैं तो इसका जो आखिरी हर्फ है तमाम लाइनों में वो मकसूर है, तो इसी वज़न यानी कि शेर का वज़न बैठाने के लिए इसको बतौर ज़रूरत या ज़रूरत के खातिर उसको कसरा दिया गया है, तो ये माना वाज़े है। उसके बाद शायर कह रहा है, लअम्रु का इन्नल मौता मा अख्ता अल्फता, लकत्ति मुर्खा वसिनयाहु बिलयदी, लअम्रु का। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, इसमें जो शायर कह रहा है लअम्रु का, लाम यहाँ पर लाम ताकीद है जो कि मुब्तदा पर आया हुआ है, मुब्तदा पर ये दाखिल है। उसके बाद एक कलमा है अम्र, अम्रु का ये मुजाफर मुजाफिले है, और अम्र जो है ये एक ऐसा कलमा है, कलिमा ये एक ऐसा कलमा है जो कसम में इस्तेमाल इसका होता है, और ये जो मस्दर है ये फेल, इसका फेल आता है अमीरा और रजुलू, अमीरा या अमरु अम्रन व उम्रन दोनों तरह से, तो अम्र और उम्र दोनों इस्तेमाल होते हैं, अम्र दोनों का माना वही है, उम्र जो इंसान की होती है दोनों इसी माने में है, बस दो लुगात है उसमें, और इसका फेल अमीरा या अमरो आता है, इसका माना होता है जब आदमी कोई लंबी ज़िंदगी जिए या काफ़ी मुद्दत तक जिए तो उसके लिए ये फेल इस्तेमाल होता है। अम्र का माना यहाँ ज़िंदगी के माना में से है, लअम्रु का।
और यहाँ पर ये लअम्रु का ये उसलूब कसम है। इस ये मुब्तदा यहाँ पर वाक़ हो रहा है जुमले के अंदर, तो हो जाएगा लअम्रु का ये मुब्तदा है और इसकी जो खबर है वो हो जाएगी कसमी, लअम्रु का कसमी। वहाँ पर जो मुब्तदा खबर की बहस आती है नहू की किताबों में, तो वहाँ पर ये मसला छिड़ता है, वहाँ भी मसला जिक्र किया जाता है कि मुब्तदा की खबर को हम कब हज़्फ़ कर सकते हैं, और हज़्फ़ अगर करते हैं तो कहाँ कहाँ उसका खबर यानी कि मुब्तदा की खबर को हज़्फ़ करना वाजिब होता है, ज़रूरी होता है, कहाँ कहाँ मुब्तदा की खबर को हज़्फ़ करना जायज़ होता है, यानी हम चाहें तो हज़्फ़ करें चाहे तो ना करें, तो ये तमाम बातें आती हैं। तो वहाँ पर जहाँ आया हुआ है कि मुब्तदा की खबर को हज़्फ़ करना ज़रूरी होता है, उनमें से एक जगह ये भी मिलेगी, तो मैं यहाँ यह बस क्या है यहाँ पर मिलेगी। तो ये हो जाएगा, ये माना बताया कि लअम्रु का और ये कसम है, और तो इसका हो जाएगा लअम्रु का कसमी, अम्रु का मुब्तदा हो जाएगा, कसमी उसकी खबर हो जाएगी, और मुब्तदा खबर से मिलकर के ये जुमलतुल कसम हो जाएगा। और उसके बाद जो आगे वाला जो आगे वाली जो बात है, इन्नल मौत मा अख्ता अल्फता लकत्ति वलिल मुर्खा व थिम्याहु बिल यदी, ये पूरी इबारत क्या हो जाएगी, जवाब कसम, क्योंकि कहाँ भी कसम होता है तो वहाँ पर एक क्या है कसम होता है और एक होता है जवाब कसम, दो चीज़ें ज़रूरी वहाँ पर होती हैं। तो जवाब कसम उसके माँ बाद वाला है। अच्छा उसके बाद कहते हैं लअम्रु का इन्नल मौत मा अख्तल, माँ यहाँ पर क्या है, माँ मस्दरिया है, माँ मस्दरिया ज़र्फ़ी है, यानी कि माँ क्या करेगा, माँ अख्ता अल्फता, अख्ता अफेल यानी कि ख़ता कर जाना, गलती कर जाना, अख्ता अल्फता, तो यहाँ पर अख्ता अफेल हो जाएगा, और इसका फ़ाइल क्या हो जाएगा, हुआ की ज़मीर जो इसके अंदर है, जो इसके अंदर है, और वो हुआ की ज़मीर लौट रही है अलमौत की तरफ, और अलफता हो जाएगा मफूल बिही अख्ता फेल का। तो अब माँ क्या करेगा, यहाँ पर इसको मसदर बनाएगा इस पूरे को, माँ अख्ता और फता जो इसके साथ साथ तमाम चीज़ें हैं, इसको पूरे को मसदर बनाएगा और इसके अंदर ज़र्फ़ का माना भी पैदा करेगा। तो इसके बाद लअम्रु का इन्नल मौत मा अख्ता अलफता लकत्तिवल, अत्तिवल कहते हैं अलहब्ल, रस्सी को, जिस रस्सी से क्या है जानवरों को बांधा जाता है ताकि वो चरते हैं, यानी कि रस्सी जानवर के जानवर रस्सी से जानवर को बांध दिया जाता है, लंबी सी रस्सी, और उस रस्सी का एक किनारा आदमी के हाथ में होता है, और वो जानवर लंबी सी रस्सी होती है और जानवर को छोड़ दिया जाता है, फिर जानवर इधर उधर चरता है, जानवर उसको उसको आज़ादी होती है, जहाँ चाहे चरे उस रस्सी की जो मतलब पहुँच है उसके अंदर, लेकिन ये मतलब ये कोई आज़ादी नहीं होती है, गरचे वो जानवर मतलब इधर उधर घूम सकता है लेकिन उसके गले में ज़रूर रस्सी बंधी हुई है, फिर ये चरवाहा जब चाहेगा उसको अपनी तरफ खींच लेगा जब उसको ज़रूरत होगी। तो जो मौत है, तो अगर मौत अभी जानवर ये ना तसव्वुर करे कि मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, मुझे कोई खींच नहीं रहा है, मुझे कोई टोक नहीं रहा है, मैं जहाँ चाह रही हूँ घूम रही हूँ चल रही हूँ, ऐसा बिल्कुल उसके गले में रस्सी लगी हुई है, तो ऐसे ही मौत जो है, ये मौत इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि आदमी बिल्कुल जानवर की तरह से है जो चल रहा है, और मौत ये बिल्कुल उस रस्सी के मानंद है, ये रस्सी जानवर के गले में लगी, तो ऐसे ही मौत इंसान के जुड़ी हुई है, इंसान से लगी हुई है, और उस मौत को देने वाला यानी कि अल्लाह ताला जब उसको चाहेगा वो मौत उस मौत के ज़रिए से उस आदमी को क्या है खींच लेगा, यानी कि उसको क्या है वहाँ से हटा देगा या वहाँ से खींच ले जाएगा। तो ये बिल्कुल इंसान की मिसाल ऐसे ही है। तो शायर कह रहा है लअम्रु का इन्नल मौत मा अख्ता अल्फता, तो आदमी को गलती में नहीं पड़ना चाहिए, बुरे गुमान में नहीं पड़ना चाहिए कि मैं क्या है मेरे ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है, मतलब मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर उसको थोड़ी सी मुक्ति तौर पर मोहलत मिली हुई है लेकिन हकीकत में क्या है उसकी रस्सी वो ढील दी गई है, वरना वो बंधा हुआ है, ऐसे ही मौत का माला है। शायर कह रहा है लअम्रु का इन्नल मौत, और ये तमाम चीज़ें मौत का जिक्र कर रहा है ये शायर, पीछे इससे पहले जो कह चुका है कि मुझे सखावत करने दो, मुझे खर्च करने दो अपने माल को, तो क्योंकि मसला ऐसा ही है कि इंसान की ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर होती है, बहुत ही छोटी छोटी होती है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तो माल खर्च करने दो, और इंसान ये ना तसव्वुर करे कि जो है अभी मौत उसको नहीं आ रही है तो उसकी ज़िंदगी बहुत लंबी है, नहीं, बल्कि दरहकीकत यहाँ मसला ये है कि मौत उसके लगी हुई है, उससे जुड़ी हुई है, उसके गले में रखी लगी हुई है मौत, बस उसको मतलब थोड़ी सी मोहलत दी गई है, लग रहा बस उसको खींचने ही वाला, उसको खींचेगा जब उसका टाइम आ जाएगा। तो चार कह रहा है कि लअम्रु का इन्नल मौत मा अख्ता अल्फता लकत्ति वलिल मुर्खा व थिम्याहु बिल यदी, अल्फता उसके बाद है अत्तिवल, तिवल के माने अलहब्ल रस्सी जो कि मैंने बताया, अलमुर्खा अरखा युरखी इरखाअन, इसका माना बाबी फाल से है, ये इसमें मफूल है यहाँ पर, अलमुर्खा इसका माना होता है ढील दे देना, लटका देना, ढील दे देना, ये माना है। व सिनिया हो, सिनियन के माना होता है सना यसनी के माने मोड़ना, सिनिया हो यानी कि उसके दोनों मोड़,
रस्सी जो कोई भी रस्सी जो होती है तो उसमें हमें मालूम है कि उसमें दो हिस्से होते हैं, दोनों हिस्से को मोड़ मोड़ के एक दूसरे के साथ क्या है इस तरह से रस्सी बटी जाती है, तो इससे मुराद यही है। और यह सिमयाहों से मुराद क्या, उसके दोनों दोनों मोड़ आदमी के हाथ में होते हैं। यह लकत्ते वाली अलमुर्खा व सिमयाहो बिल यदी, तो यानी कि रस्सी के मानिंद है, जिस रस्सी के दोनों मोड़ यानी कि उस रस्सी का एक किनारा आदमी के हाथ में होता है, तो एक जानवर चढ़ता है और उसके गले में एक रस्सी बंधी होती है और रस्सी का दूसरा किनारा आदमी के हाथ में होता है, और जो दूसरा किनारा आदमी के हाथ में होता है उसमें क्या होते हैं, दो मोड़ होते हैं, दो मोड़ होते हैं, जो दोनों मोड़ दो दो छोटी छोटी पतली पतली रस्सियाँ होती हैं जो दोनों क्या है मोड़ मोड़ के बनाई जाती है, तो वही जो दोनों मोड़ होते हैं वो पूरे के पूरे क्या है आदमी के हाथ में इधर दूसरी तरफ होते हैं। तो इशारा कह रहा है कि लामरु का इन अलमौत मा अख्ता अलफता अलकत्ते वाल मुर्खा व सिमयाहु बिल यदी, तुम्हारी ज़िंदगी की कसम यकीनन मौत जब तक वो नौजवान को नहीं आती है, यानी कि नौजवान से क्या है ख़ता कर जा रही है, या जब तक वो इंसान को नहीं आ रही है, तो ये किसके मानिंद है, लकत्ते वाली उस रस्सी के मानिंद है, या ये उस रस्सी, हाँ जी उस रस्सी के मानिंद है ये मौत, जो रस्सी जिस रस्सी को क्या है ढील दे दिया गया है, यानी कि जानवर को उस पर क्या है ढील दे दिया गया है। वसिनिया हो बिल यदि, हालांकि उसके जो है दोनों मोड़ यानी कि उसका एक किनारा बिल यदि हाथ में है, यानी कि जो जा चरा रहा है जानवर को उसके हाथ में है, तो ये माना हो गया इसके, तो यकीनन तुम्हारे ज़िंदगी की कसम यकीनन मौत जब तक वो नौजवान के पास नहीं आ रही है, उसकी मिसाल उस रस्सी की जैसी, उस रस्सी जैसी है जिस रस्सी को ढील दे दिया गया है इस हाल में कि उसका किनारा आदमी के हाथ में है, इस हाल में कि उसका किनारा हाथ में है यानी कि आदमी के हाथ में है। और सिनियाहो से मुराद यहाँ तरफ हुआ, यानी कि उसका किनारा एक दूसरा किनारा जो है वह मुराद है। सिनियाहो क्यों कहा गया, क्योंकि रस्सी के अंदर दर हकीकत दो छोटी छोटी रस्सियाँ होती हैं जो दोनों मोड़ मोड़ के बनाई जाती हैं, तो उसके दोनों मोड़ से मुराद क्या है उसका वही किनारा कि उसका दूसरा किनारा मुराद ले रहा है। वह तरफ हु अल आखरु बिल यदी ए बी यदी अर रजुली, इसी पर इतवा करते हैं, फिर इंशाल्लाह पढ़ते हैं अगले।